हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लर्न करेंगे फोबियाज एंड टाइप्स ऑफ फोबियाज। तो सबसे पहले जानते हैं कि फोबिया है क्या। तो कोई भी जो इरेशनल एक्सट्रीम फियर है उसको हम कहते हैं फोबिया। और फोबिया किसी भी सिचुएशन से हो सकता है, किसी भी एक्टिविटी से हो सकता है, किसी भी प्लेस से हो सकता है, किसी भी पर्सन से हो सकता है, या किसी भी मटेरियल से हो सकता है फोबिया। फोबिया इरेशनल फियर। अब इसकी टाइप्स जानते हैं, कौन कौन सी स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ फोबिया क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले है अरेक्नोफोबिया। अरेक्नोफोबिया मतलब अगर किसी पर्सन को स्पाइडर्स से बहुत ज़्यादा डर लगता है तो उसको हम कहते हैं अरेक्नोफोबिया। सेकंड है ओफिडियोफोबिया। अगर किसी पर्सन को स्नेक्स से बहुत ज़्यादा डर लगता है तो उस फोबिया को हम कहते हैं ओफिडियोफोबिया। नेक्स्ट एक्रोफोबिया। अगर किसी पर्सन को हाइट से, मतलब ऊंची जगह से, जैसे पहाड़ी एरिया होते हैं, हिली एरिया होते हैं, जहाँ हाइट जैसे कोई छत है ऊपर, तो उससे अगर बहुत ज़्यादा डर लगता है, हाइट से अगर डर लगता है, तो उसको हम कहते हैं एक्रोफोबिया। नेक्स्ट है एगोराफोबिया। तो अगर किसी पर्सन को क्राउड से, मतलब कि अगर जैसे कहीं हॉल में बहुत ज़्यादा लोग बैठे हैं, जहाँ किसी जगह पे बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हुई है, कोई फंक्शन पे बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हुई है, जहाँ कोई पब्लिक प्लेस है, तो उस एरिया से अगर पर्सन को डर लगता है तो उसको हम कहते हैं एगोराफोबिया। नेक्स्ट है साइनोफोबिया। अगर किसी पर्सन को डॉग्स से बहुत ज़्यादा डर लगता है, डॉग, किसी भी डॉग को, चाहे वो डॉग बड़ा है, छोटा है, चाहे पपी है, उसको देख के अगर पर्सन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, उसको हम कहते हैं साइनोफोबिया। नेक्स्ट है क्लॉस्ट्रोफोबिया। अगर किसी पर्सन को छोटी जगह से, जहाँ क्लोज्ड स्पेसेस होती हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा छोटा रूम है, जहाँ लिफ्ट वगैरह जैसे होती है, लिफ्ट बहुत छोटी होती है, तो स्मॉल स्पेसेस से अगर बहुत ज़्यादा डर लगता है तो उसको हम कहते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट है मीज़ोफोबिया। मीज़ोफोबिया मतलब अगर किसी पर्सन को जर्म्स से बहुत ज़्यादा फोबिया है, बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो उसको हम कहते हैं मीज़ोफोबिया। तो कई पर्सन्स को लगता रहता है कि उसके हाथों में बहुत ज़्यादा जर्म्स हैं, बार बार हाथ धोते रहते हैं, तो उसको हम कहते हैं मीज़ोफोबिया। नेक्स्ट है एयरोफोबिया। जो पर्सन्स को फ्लाइंग से डर लगता है, प्लेन में जाने से, या हेलीकॉप्टर में जाने से, या फ्लाइट से डर लगता है, उसको हम कहते हैं एयरोफोबिया। नेक्स्ट है ग्लॉसोफोबिया। अगर किसी पर्सन को पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, जैसे कोई लेक्चर देना है, या स्टेज पे खड़े होना है, स्टेज पे खड़े होके कुछ बोलना है, या बहुत ज़्यादा पब्लिक इकट्ठी हुई है, उनके सामने कुछ बोलना है, तो उससे जो डर लगता है, उस बोलने से जो डर लगता है, पब्लिक स्पीकिंग से जो डर लगता है, उसको हम कहते हैं ग्लॉसोफोबिया। नेक्स्ट है एटिचीफोबिया। एटिचीफोबिया मतलब कि फेलियर से जिस पर्सन को बहुत ज़्यादा डर लगता है, कि पर्सन को लगता रहता है मैं फेल हो जाऊँगा, जहाँ फेल हो जाता है, तो फेलियर से जिस पर्सन को बहुत ज़्यादा डर लगता है उसको हम कहते हैं एटिचीफोबिया। नेक्स्ट है ऑर्निथोफोबिया। जिस पर्सन को बर्ड्स से, पक्षियों से बहुत ज़्यादा डर लगता है, उसको हम कहते हैं ऑर्निथोफोबिया। नेक्स्ट है एक्वाफोबिया। जिस पर्सन को पानी में जाने से डर लगता है, पानी देख के, जैसे समुंदर देखता है पर्सन, कोई नदी नाला देखता है, तो उससे पर्सन को बहुत ज़्यादा अगर पानी से डर लगता है तो उसको हम कहते हैं एक्वाफोबिया। दीज आर द स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ फोबिया। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।